हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू बेटा। आज हम 8th क्लास का 9th चैप्टर संत रविदास स्टार्ट करने लगे हैं। मैं आपकी उषा मैम, इंग्लिश टीचर, आपको ये बताना चाहती हूँ कि संत रविदास एक बहुत ही महान शख्सियत थी, जो कि जिन्होंने समाज के भलाई के लिए बहुत ही कार्य किए, तो उन्हीं के बारे में हम आज डिटेल में पढ़ेंगे। तो मेरे वीडियो को लास्ट तक आपने देखना है और सुनना अच्छी तरह से, ताकि आप क्वेश्चन आंसर कर सको, आपको अच्छी तरह से इसके क्वेश्चन आंसर भी समझ आ सके। जो फर्स्ट टाइम मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो वो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है, तभी हम आपके लिए नई नई वीडियो बनाकर लाएंगे। तो लेट अस स्टार्ट आवर लेसन संत रविदास। इंडिया हैज़ ऑलवेज बीन द होम ऑफ सेंट्स एंड सेजेस। भारत हमेशा से ही संतों महात्माओं का घर रहा है। व्हेनेवर, जब भी द मॉरल एंड सोशल लाइफ ऑफ पीपल, लोगों की नैतिक और सामाजिक जीवन शोज साइंस ऑफ डिके, उसमें पतन के साइन नजर आते हैं, सम सेंट्स और प्रोफेट अपीयर ऑन द सेंट्स। तो उसी वक्त धरती पर कोई ना कोई महान संत या कोई साधु जन्म लेता है। रविदास वाज वन सच सेंट। रविदास भी उनमें से एक साधु संत थे। ही इन्फ्यूज्ड न्यू लाइफ एंड वाइटेलिटी इनटू द हिंदू सोशल ऑर्डर एट ए क्रिटिकल पीरियड इन हिस्ट्री। इतिहास के कठिनाई भरे दौर में, उस वक्त समय में, इन्होंने हिंदुओं में एक नई जिंदगी, एक नया जोश, उत्साह भरा था। रविदास वाज द सन ऑफ ए कॉबलर। रविदास एक मोची के बेटे थे। ही वाज बॉर्न इन द ईयर 1377। वो 1377 में पैदा हुए। ही वाज बॉर्न एट बनारस, द होली सिटी ऑफ द हिंदूज। हिंदुओं के पवित्र शहर का पवित्र शहर बनारस में वो पैदा हुए थे। हीज़ पेरेंट्स वांटेड टू हैव हीम एजुकेटेड। उसके माता पिता उसको पढ़ाना चाहते थे। दे सेंट हीम टू स्कूल। उन्होंने उसको स्कूल भेजा। अनलकीली ही स्टे एट स्कूल प्रूव टू बी वेरी शॉर्ट अनहैप्पी। दुर्भाग्य से वो बहुत ही कम समय के लिए वो स्कूल में रहे और वहाँ पर वो बहुत नाखुश थे। इट वॉज़ ए वेरी पेनफुल एंड अनप्लेजेंट एक्सपीरियंस फॉर हिम। ये उनके लिए बहुत ही दर्दनाक और नाखुश अनुभव उनके लिए रहा। इट लेफ्ट ए डीप एंड लास्टिंग स्कार ऑन हिज माइंड। और उनके दिमाग में एक बहुत ही गहरा और कभी ना ख़त्म होने वाला एक घाव छोड़ गए। रविदास रियलाइज्ड, रविदास ने महसूस किया, दैट ए चाइल्ड बॉर्न इन ए लो कास्ट, कि जो बच्चा एक लो कास्ट में यानी नीची जाति में पैदा होता है, परिवार में पैदा, नीची जाति के परिवार में पैदा होता है, वाज नॉट ट्रीटेड वेल इन सोसाइटी। समाज में उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता। इन सच एन अनफ्रेंडली एटमोसफियर, इस तरह के अनफ्रेंडली वातावरण में, लिटल रविदास कुड नॉट पुट हीज हार्ट इन टू स्टडी। तो छोटा रविदास जो थे वो पढ़ाई में अपना दिल ना लगा सके। ऑफन ही वुड सिट अलोन, अक्सर वो अकेले बैठ जाते, एंड थिंक डीपली, और बहुत ही गहराई से सोचते। इट वुड देन अपीयर एज इफ ही वर ए डीप समाधि। उस वक्त ऐसा दिखाई देता था कि वो गहरी समाधि में चले गए हैं। हिज टीचर नोटिस्ड, उसके टीचर्स ने, अध्यापक ने ये नोटिस किया, दैट रविदास वाज नो ऑर्डिनरी चाइल्ड, कि रविदास जो है एक ऑर्डिनरी, एक साधारण बच्चा नहीं है। ही वाज सर्टनली डेस्टिन्ड फॉर सम हायर पर्पस इन लाइफ। वो जिंदगी में बहुत एक ऊंचे उद्देश्य के लिए भगवान ने उनको यहाँ पर भेजा है। रविदास हैड नो इंटरेस्ट इन मटीरियल थिंग्स। रविदास का इस भौतिक चीज़ों में कोई भी रुचि नहीं थी। ही वॉज इंटरेस्टेड इन मैटर्स रिलेटेड टू द स्पिरिट। वो जो भी आत्मा से संबंधित
मैटर्स थे, मामले थे, उनके बीच में उनकी ज़्यादा रुचि थी। ही वांटेड टू गेन स्पिरिचुअल नॉलेज, वे आध्यात्मिक यानी आत्मिक ज्ञान प्राप्त करना चाहते थे। ही वॉज इन सर्च ऑफ सम स्पिरिचुअल टीचर, और वो एक आत्मिक जो उनको ज्ञान दे उस टीचर की खोज में वो उसकी खोज में थे। ही वो कुड शो हिम द राइट पाथ, जो उनको सही रास्ता दिखाए। सून ही फाउंड हिम सेल्फ एट द फीट ऑफ स्वामी रामानंद, हु टुक हिम एज हिज डिसिपल। तो जल्दी ही उन्होंने अपने आप को स्वामी रामानंद के चरणों में उन्होंने पाया, जो कि वो उनके शिष्य बन गए। उन्होंने अपने एक शिष्य के रूप में उनको स्वीकार किया। रविदास स्टेड विद द स्वामी फॉर ए फ्यू मंथ्स, रविदास स्वामी के साथ कुछ महीनों तक रहे। नाउ देयर वॉज ए कम्प्लीट चेंज इन हिज लाइफ, अब उनकी ज़िंदगी में बिल्कुल ही पूरी तरह से बदल गई थी उनकी ज़िंदगी। स्वामी रामानंद सरमंस में, सरमन मैंने होता है उपदेश, लेफ्ट ए ग्रेट इम्प्रेशन ऑन हिज माइंड। और स्वामी रामानंद के विचारों ने, उनके उपदेशों ने उनके ऊपर गहरा, दिमाग के ऊपर गहरा प्रभाव डाला। थ्रू दीज सरमंस, इन उपदेशों के जरिए ही केम टू अंडरस्टैंड द ट्रू मीनिंग ऑफ लाइफ, वो जिंदगी के असली अर्थ को समझ सके थे। ही केम टू नो ऑफ द एंशियंट इंडियन विजडम एंड कल्चर, वो हमारे पुरप्राचीन भारतीय सभ्यता संस्कृति को और बुद्धिमत्ता को वो जान गए थे। द फील्ड वॉज रेडी, खेत तैयार था। सीड वॉज शोन, बीज बोए जा चुके थे। एंड द क्रॉप डिड नॉट टेक लॉन्ग टू रिपन, और अब फसल पकने में देरी नहीं थी। व्हेन द गुरु वाज सेटिस्फाई, जब उनके गुरु जो थे बिल्कुल संतुष्ट हो गए। दैट द स्पिरिचुअल फ्रेम हैड बीन काइंडल परमानेंटली, कि उनमें एक आत्मिक ज्योत जो है हमेशा के लिए उनमें जागृत हो गई है, जल गई है। ही आस्क रविदास टू रिटर्न होम एंड लिव द वे ही वांटेड टू लिव, तो उन्होंने रविदास को घर वापस जाने के लिए कहा और कहा कि जैसे वो अपनी ज़िंदगी को जीना चाहते हैं वैसे जब वो जाकर रह सकते हैं। द एनलाइटेड डिसिपल हाउ नाउ फेल्ट दैट ही हैड ए डिवाइन मिशन टू फुलफिल, अब जो उनमें ज्योति आ गई थी वो शिष्य में, तो उन्होंने महसूस किया कि उनमें एक जो मिशन है जो उनको पूरा करना है, अभी दैविक जो है संदेश देना है, अभी और बहुत सारे काम करने हैं। ही चूज बनारस टू बी द वेन्यू ऑफ हिज फ्यूचर एक्टिविटी, तो उन्होंने बनारस को अपने भविष्य की गतिविधियों के लिए चुना। रविदास फेल्ट दैट हिज ट्रेनिंग इन स्पिरिचुअल लाइफ वॉज नॉट येट कम्प्लीट, रविदास ने महसूस किया कि उसकी जो आत्मिक लाइफ की ट्रेनिंग थी, अभ्यास था, अभी तक वो कम्प्लीट नहीं हुआ। ही हैड ए डिज़ायर टू हैव मोर एंड मोर ऑफ स्पिरिचुअल ज्ञान, स्पिरिचुअल नॉलेज, तो उन्होंने आत्मिक ज्ञान को और ज़्यादा उनका बढ़े इसकी उनकी इच्छा और हुई। फर्स्ट ऑफ ऑल, और सबसे पहले ही डिसाइडेड टू ब्यूटी ऑफ एन एरिया ऑफ द फॉरेस्ट वेयर ही कुड मेडिटेट इन पीस, तो उन्होंने एक जंगल का जो जगह थी उसको बहुत सुंदर थी, वहाँ पर उन्होंने शांति से अपनी मेडिटेशन समाधि लगाने के बारे में सोचा। वन डे वाइल मेडिटिंग ही फेल्ट डिस्टर्ब बाय ए सडन मूवमेंट इन द बुशेस, जब वो एक बार एक दिन समाधि लगाकर बड़े शांति से बैठे हुए थे, तो उन्होंने झाड़ियों में कुछ अचानक वो वहाँ पर गतिविधियाँ यानी कि मूवमेंट वहाँ देखी। रविदास गॉट अप, रविदास एकदम से उठ गए। लुक्ड अराउंड, चारों तरफ देखा। ए शी डियर हैड बीन कॉट इन ए नेट लेड बाय ए हंटर, एक हिरनी जो कि एक शिकारी के द्वारा बिछाए गए जाल में फंस चुकी थी। द पुअर एनिमल, गरीब जानवर, वाज स्ट्रगलिंग टू गेट फ्री, वो अपने आप को आज़ाद करने के लिए संघर्ष कर रहा था। एज द हंटर अप्रोच्ड हर ही लुक्ड एट हिम विद
प्लीडिंग आइज। जैसे ही हंटर उसके पास पहुंचा, उसने उसकी तरफ बहुत ही दया भरी यानी प्रार्थना भरी नज़रों से देखा। इट वॉज एज इफ ही वॉज बेगिंग फॉर मर्सी। वो इस तरह से दिखाई दे रही थी जैसे कि वो उसके सामने दया की भीख मांग रही है। इट वॉज अ टाइम टू फीड हर थ्री यंग वंस। अब ये समय था उसके लिए कि वो अपने छोटे छोटे तीन बच्चों को भोजन करवाए। द लिटल वंस केम जंपिंग टू हर जॉयफुली। अब छोटे छोटे जो बच्चे थे वो खुशी से कूदते हुए उसके पास आए। बट दे वर शॉक्ड। लेकिन वो एकदम से शॉक्ड हो गए व्हेन दे सॉ देयर मदर इन ए मिजरेबल प्लाइट। प्लाइट का मतलब होता है कि जगह, जब उन्होंने उस जगह पर बहुत ही दुखदाई स्थान पर अपनी माता को देखा तो वो बहुत ही शॉक्ड हो गए। द मदर एंड द यंग हर यंग वंस वर ए पेनफुल पिक्चर ऑफ मिस्ट्री एंड हेल्पलेसनेस। अब माँ और तीनों बच्चे जो उनकी उस वक्त बहुत ही दुखदाई और असहाय जो है दर्द भरी तस्वीर हमें दिखाई देती है। देयर साइलेंट प्रेयर उनके चुप्पी से भरी हुई प्रार्थना, देयर सैड आइज उनकी उदास नजरें कुड हैव मेल्टेड इवन ए हार्ट ऑफ स्टोन, जो पत्थर दिल को भी वो पिघला देती है। बट द क्रूअल हंटर रिमेन्ड अनमूव्ड। लेकिन वो निर्दयी शिकारी बिना हिले वहाँ खड़ा रहा। हिज आईज शोड नो ट्रेस ऑफ पिटी ऑफ काइंडनेस, और उसकी आंखों में कहीं भी कोई भी दया नजर नहीं आती थी। He stepped forward to seize the animals and her young ones. वो आगे बढ़ा ताकि वो उस जानवर और तीनों बच्चों को वो पकड़ सके। As रविदास looked at him, रविदास ने उसकी तरफ देखा। His heart melted in pity. उसका दिल जो था दया से भर गया। He felt it. उसने महसूस किया। His duty to save the poor helpless animal from death. अब उसका जो कर्तव्य है इस गरीब जो जानवर है उसको मौत से किस तरह से बचाया जाए। He went up to the hunter and spoke like this. वो शिकारी के पास गया और उसने ये शब्द बोले। अब बेटा जो शब्द जी उसने अब बोले हैं इनको ध्यान से सुनना, क्योंकि इन्हीं शब्दों ने उस शिकारी के जो हृदय परिवर्तन किया था। तो वी आर ऑल चिल्ड्रन ऑफ द सेम गॉड। हम सभी एक ही भगवान के बच्चे हैं। ही इज़ आवर लविंग फादर। वो हमें प्यार करने वाला हमारा पिता है। इट इज़ द डिवाइन एसेंस दैट रन्स इन ह्यूमन हार्ट एज लव। ये उसी की एक दैविक ज्योत है जो कि मनुष्य के दिलों में प्यार भरती है। इट इज़ द डिवाइन एसेंस। ये उसी की दैविक ज्योत है दैट फील्स द रोज विद फ्रेगरेंस, जो कि फूलों में जो सुगंध भरती है। अगेन इट इज़ द डिवाइन एसेंस दैट फील्स द रेनबो विद ब्यूटी। और ये उसी की दैविक ज्योत है जो कि इंद्र जो चंद धनुष होता है, इंद्रधनुष जो बादलों में कई बार दिखाई देता है तो उसमें सुंदरता भरती है। इट इज़ द डिवाइन एसेंस दैट फील्स द बर्ड्स विद जॉय, एप्पल्स विद जूस एंड वॉइस विद स्वीटनेस। अब उसी की ज्योत जो पक्षियों में खुशी भर देती है, एप्पल्स में यानी कि सेब में जूस भरती है और हमारे आवाज़ों में मिठास भरती है। Therefore, इसलिए he would have love for every creature living on this earth. इसलिए हमें इस संसार में धरती के ऊपर जितने भी जीव जंतु हैं सभी से प्यार करना चाहिए। All forms of life are scared. सभी जो जिंदगियां हैं वो उनका बचाव करना चाहिए। It is man's most scared duty to bring peace to a troubled heart. और जितने भी किसी के दिल को हम दुखाएं नहीं और सभी के दिलों में हम इट इज़ केयर ड्यूटी टू ब्रिंग पीस। हमें शांति लानी चाहिए टू ए ट्रबल हार्ट, जो कि दुखी दिलों में शांति भरनी चाहिए। वी शुड नेवर कॉज पेन सफरिंग और डेथ टू एनी लिविंग बींग। हमें कभी भी किसी को दर्द का कारण नहीं बनना चाहिए, उनको दुख नहीं देना चाहिए। एंड डेथ टू एनी लिविंग बींग्स, और किसी भी जीव जंतु जो है इस संसार में उसको मारना नहीं चाहिए। वी शुड लव ऑल थिंग्स, हमें सभी चीज़ों से प्यार करना चाहिए। ग्रेट और स्मॉल, बड़ी हो चाहे छोटी, इवन ए टैनी और इंसेक्ट इन ए ग्रास इज ए
स्केयर्ड एज ए ह्यूमन चाइल्ड। और ग्रास में भी जो छोटे छोटे जीव जंतु होते हैं, कीड़े मकौड़े होते हैं, वो भी एक मनुष्य के बच्चों की तरह ही उनका हमें देखभाल करनी चाहिए। तो द हंटर इंटरेस्टेड टू द स्वीट वर्ड्स ऑफ The hunter listened to the sweet words of Sant Ravidas in deep respect. और शिकारी ने अब संत रविदास के शब्दों को, जो मीठे शब्दों को, बहुत ही गहराई से, आदर से उसको सुना। The charm of Sant's personality and his words of deep wisdom washed away all evil thoughts from the hunter minds. अब उनकी जो संत की बहुत ही, जिसको पर्सनैलिटी, शख्सियत कहते हैं, प्रभावशाली चेहरा और उसके शब्द जो थे बहुत ही बुद्धिमत्ता से भरे शब्द, उसने जितनी भी उस शिकारी के दिमाग में बुरी सोच थी सभी को उसने धो डाला। द हंटर फेल्ट एज इफ ए मिरेकल हैड हैपन। मिरेकल का होता है एक तरह से चमत्कार हो गया, और उसने, हंटर ने, शिकारी ने महसूस किया कि जैसे उसके पास साथ कोई एक चमत्कार हो गया। ए मोमेंट्री कॉन्टैक्ट विद द ग्रेट संत हैड चेंज्ड हिम कम्प्लीटली। एक क्षण के लिए जो उसका संत रविदास के साथ कॉन्टैक्ट हुआ, उसने उसको पूरी तरह से ही बदल दिया। ए किलर हैड बिकम फिल्ड विद लव फॉर गॉड एंड ऑल हिज क्रिएशन। और एक किलर, जो एक मारने वाला था, वो अब उसमें परमात्मा के प्रति प्यार और उसके बनाए हुए जितने भी ये क्रिएशन है, जो सृष्टि है, उससे उसको प्यार से भर दिया। द हंटर प्रॉमिस टू लीड ए वर्चुअस लाइफ एंड नेवर टू कॉज हर्ट टू एनीवन। अब शिकारी ने उस संत रविदास से प्रॉमिस किया कि वो अच्छी जिंदगी जिएगा और कभी किसी को कोई भी चोट नहीं। संत रविदास वॉज ऑलवेज वेरी हम्बल। संत रविदास जो थे हमेशा ही बहुत ही विनम्र स्वभाव के थे। ही वॉज डिफरेंट फ्रॉम द मोस्ट ऑफ द स्कॉलर्स एंड रिलीजियस मैन ऑफ हिज टाइम। वो सभी अपने टाइम के, अपने समय के जितने भी स्कॉलर्स थे या धार्मिक आदमी थे, उनसे अलग थे। ही नेवर बोस्टेड। बोस्टेड का मतलब होता है शेकी मारना। ऑफ हिज नॉलेज एंड विजडम। उन्होंने अपने ज्ञान का और अपनी बुद्धिमत्ता की कभी शेक के बारे में शेकी नहीं मारी थी। ही इज डिवाइन नॉलेज। उनकी दैविक ज्ञान केम डायरेक्ट फ्रॉम विद हिम। उनमें अंदर से ही उनमें आया था। ही हैड ए चार्मिंग पर्सनैलिटी। उनका जो, उनकी शख्सियत एक बहुत ही प्रभावशाली थी। ही स्पिरिचुअल मैसेज अपलिडेड एवरी हार्ट। और जो उनका आत्मिक मैसेज था, संदेश था, वो सभी के दिलों तक पहुँचता था। पीपल लिसन टू हिम स्पेल बाउंड। और लोग उसको बहुत ही ध्यान से सुनते थे। ही स्पोक इन ए सिंपल एंड क्लियर मैनर। वो बहुत ही साधारण और साफ तरीके से बोलते थे। ही टोल्ड पीपल दैट ऑल आर इक्वल इन द आईज ऑफ गॉड। वो बताते थे लोगों को कि सभी भगवान की नज़रों में एक हैं, बराबर हैं। एंड द डिस्टिंक्शन ऑफ कास्ट कलर एंड क्रीड आर मीनिंगलेस। और ये जो जात धर्म और जाति पाति का जो भेदभाव है, ये सारा अर्थहीन है। दे आर ऑल मैन मेड। सभी आदमी भगवान के बनाए हुए हैं। संत रविदास ब्रॉट ग्रेट होप फॉर दोज हु वर पुअर वीक एंड बैकवर्ड। संत रविदास ने, जो कि गरीब थे, कमज़ोर थे और बैकवर्ड क्लास के थे, छोटी जाति के थे, उनमें एक नई आशा, एक नई उम्मीद भरी। ही फिल्ड देम विद होप करेज एंड कॉन्फिडेंस। उन्होंने उसमें आशा, हौसला और एक विश्वास, कॉन्फिडेंस होता है, विश्वास उनमें भरा, आत्मविश्वास। ही इंस्पायर्ड देम नॉट टू बो टू द अनजस्ट डिमांड ऑफ द हाई कास्ट पीपल। उन्होंने लोगों को बताया कि कभी भी किसी हाई कास्ट, यानी ऊंचे ओहदे वाले लोगों के सामने, के अन्याय के सामने, कि जो अन्याय की डिमांड करते हैं, उनके सामने कभी भी झुकना नहीं चाहिए। ही इंस्पायर्ड देम टू रिकॉग्नाइज द स्ट्रेंथ ऑफ द स्पिरिट विद इन देम। उन्होंने कहा कि अपने अंदर जो ताकत है, उसको पहचानो।
ही आस्क दैम टू थ्रो ऑल द वीक थाट्स आउट ऑफ देयर माइंड्स, उसने कहा आपके अंदर जितने भी कमज़ोर विचार हैं सभी को बाहर निकाल कर फेंक दो। ही ऑलवेज सेड, उस वे हमेशा कहते थे अनटचेबिलिटी छुआछात इज ए सिन अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, वो मानवता के प्रति एक पाप है। वी कैन कॉल संत रविदास ए फोर रनर ऑफ गांधी जी, हम कह सकते हैं कि गांधी जी भी संत रविदास के ही कदमों पर पीछे पीछे उनके अनुयायी रहे। संत रविदास कंटिन्यू टू गाइड एंड रिफॉर्म द सोसाइटी ऑफ हिज टाइम, और संत रविदास ने लगातार अपने समय में लोगों को गाइड किया, उनको समझाया और जितने भी समाज में सुधार किए all his time, all his life, और अपनी सारी ज़िंदगी में। Even in his old age, और जब वह बूढ़े भी हो गए थे, he had the divine glow on his face, और एक किस कहती है ना, देव एक इंसान के चेहरे के ऊपर एक चमक रहती है जो भगवान का नाम लेते हैं, तो वो उनकी चमक उनके चेहरे पे हमेशा ही दैविक चमक ग्लो रहता था। All his mental faculties remained as strong as ever, और जितनी भी दिमागी उनकी चीज़ें थी हमेशा ही वो ताकतवर रही, चाहे वो स्ट्रॉन्ग रही, शक्तिशाली रही, उनमें किसी भी तरह का कोई बदलाव नहीं आया। His spirit remained untouched by the storms and stresses of the material world, और ये भौतिक संसार के जितने मर्जी तूफान आए, स्ट्रेसेस आए, और उनकी जो स्पिरिट थी उसको वो टच नहीं कर पाई। हिज एंड वाज पीसफुल, और उनका अंत भी बहुत शांतिपूर्वक था। वन ग्रेट सोल ऑन द अर्थ बिकेम मिक्स्ड विद द इंटरनल सोल, हमारी धरती पर जो एक महान आत्मा थी वो उस परमात्मा की जोत में मिल गई। ऑन हेवनली लाइट ऑन द अर्थ, और became blended with the immortal light, जो कभी भी ख़त्म ना होने वाली जो लाइट होती है, ज्योति होती है, हमारे धरती की जो ज्योत थी बहुत ही पवित्र और ज्योत, वो उस परमात्मा की ज्योत में मिल गई। तो ये हमारा जो चैप्टर आज कंप्लीट होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो बेटा। इसके क्वेश्चन आप आंसर हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, एक्सरसाइज सारे जितने भी क्वेश्चन आंसर्स हैं वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो मेरे ख्याल में जो बच्चे फर्स्ट टाइम मेरे वीडियो देख रहे हैं वो इसको लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपके लिए और वीडियोज़ बना कर लाएँ। थैंक यू बेटा। और जो बच्चे जितने भी मेरे पहले चैप्टर्स हैं वो मेरी प्लेलिस्ट में सारे मैंने वहाँ पर रखे हुए हैं, तो वहाँ पर आप देख सकते हैं, और टेलीग्राम चैनल में भी जाके वहाँ पर आप देख सकते हैं। तो थैंक यू बेटा, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।